अर्जुन मेरे दाएं हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, मतलब मार आने वाला है हम बदनसीबों के नसीबों में। पैसे दे दो। मगर महाराज मेरी अकल मुझसे कह रही है कि हमारे जेब में जो भी फूटी कौड़ी है वो भी इन गरीबों के पॉकेट में जाने वाली है। अरे किस गधे ने तेरे कोई अकल दी? महाराज मेरे बाप ने। तेरा बाप भी सारा गधा ही था। जो भी हो महाराज, मगर तकल आपसे मिलती थी। मैं आया हूँ मगर यहाँ की पॉलिटिक्स जानता हूँ। सारे पैसा कमाने के लिए शक्ल की नहीं अकल की जरूरत होती है, और आज मैं तुझको अपनी अकल का कमाल दिखाता हूँ। सर हिंदी में नामुमकिन, अंग्रेजी में इम्पॉसिबल। अरे यार सुन, तेरे से कितनी बार कहा है कि तीर मत छोड़। सुन, आज मैं इस डॉक्स पे यानी के गोदी पे, गोदी में तुझे बगावत के बीज बोकर दिखाता हूँ। सर जी, आज तक इस गोदी में ऐसा कोई परिंदा पैदा नहीं हुआ जो बक्तावर चेट के खिलाफ अपने पर फड़फड़ा सके। सर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि निकल चलो चुपके से, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर की वर्दी और वर्दी के नीचे की चमड़ी दोनों खिंच के चली आए, आपकी भी और मेरी भी। अरे सारे बुजदड़ी की गोद में पड़ेगी दड़की सौतेली औलाद। तेरे से मैंने कितनी बार कहा है कि अपने मुंह की कमान से शब्दों के टूटे हुए तीर मत छोड़ा कर। जुम्मा का भाई तू ही है? गोंसाल्विस तेरा ही नाम है? और भाई तू ही है जो बक्तावर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। वो भी अकेले बगावत करेगा? और भी है। अरे शांति शांति, दो मिनट शांति, उसके बाद क्रांति। गोंसाल्विस भाई, जब मुझे पता चला कि मेरे मजदूर भाइयों का हक बक्तावर छीन लेता है, उनकी खून पसीने की कमाई उनकी मुट्ठी में आने से पहले ही मार लेता है, तो मैं तो मैं रो पड़ा। क्योंकि अरे भाई मैं भी तो एक मजदूर हूं, कानून का मजदूर, पब्लिक का मजदूर, अरे सरकार का मजदूर यार भाई लोग। इसीलिए मैं आपको पूरी आजादी देता हूं कि बख्तावर के जुल्म के खिलाफ आप लोग नारे लगाओ, और तब भी आपको लगता है कि आपको हक नहीं मिलता तो आप मेरे पास आओ, थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग जाओ और बख्तावर की मां बहन एक कर दो। मेरी बच्ची का हाथ जला दिया तूने। गलती हो गया। महाराज जी को नमस्कार करो जी। ये इंस्पेक्टर गिरधर है, अपने इलाके में नए आए हैं। जी मैं आया तो इस इलाके में सरकार की मर्जी से हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी मर्जी से रहूंगा। बस बात क्या है? सेठ जी आप तो इस इलाके के बादशाह हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपकी सल्तनत में बगावत हो रही है। ये दो कौड़ी के मजदूर आपके खिलाफ आवाज उठा रहे, मेरे पास आपकी शिकायत लेकर आए थे। कौन है वो लोग? बताता हूँ जी। देख रहे हैं आप सेठ जी कैसी एकता हो गई है। ऐसे माना कि सब सारे चूहे हैं चूहे, लेकिन चूहों को आपस में मिलने नहीं देना चाहिए, वरना सारी बस्ती खोद डालेंगे ये लोग। क्यों जी? पेट की भूख एकता से बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी एकता दो मिनट में तोड़ सकता हूं मैं। देखो सरकार। महाराज अर्जुन सिंह, एक दिन ये सारा माड़ अपना होगा। सरकार सरकार। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो। देख ली इनकी एकता? देख ली जी देख ली, सारे चूहों को पैसे के पीछे भागते देख लिया। लगता है तुम्हारे हमारी जमेगी। जमेगी जी, जरूर जमेगी। ऐसी जमेगी कि फिर कभी नहीं टूटेगी। बस तुम खबरें लाते रहो और अपना हिस्सा पाते रहो। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? अर्जुन तेरे को बोला था ना कि सवेरे मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है, खूब माल मिलेगा, देख मिला माल। महाराज आप तोप हो तो ठीक है,
मगर एक बात सोच रहा हूँ कि अगर गुंजालविस मर गया तो उसका क्या होगा? महाराज आपकी बगावत का क्या होगा? अर्जुन तेरे को कितनी बार बोला है कि तीर मत छोड़ा कर, अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। गुंजालविस की बहन कौन है? जुम्मा। और जुम्मा का किसके साथ चक्कर चल रहा है? टाइगर। अब अगर बख्तावर के आदमी गुंजालविस को मारेंगे तो कौन बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? अरे टाइगर। टाइगर।